हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष और मैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर से एक बार भैया, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष और मैं अपने चैनल पे आर्ट एंड क्राफ्ट DIY से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 3 इजी एंड ट्रेंडिंग बोटल आर्ट, जिसको बनाना बहुत ही ईजीली है। आप घर पर इसको बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बोटल आर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बोटल लिया और उसके अच्छे से क्लीन कर लिया है। और मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर लिया है और राउंड ब्रश की मदद से स्ट्रोक देके उससे फ्लावर्स बना लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रोक दिए हैं और 3-3 स्ट्रोक देके एक एक फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने इस पूरी बोटल पर फ्लावर्स बना लिए हैं। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर लिया है, उससे जो मैंने फ्लावर बनाए थे उसी के ऊपर स्ट्रोक देके फ्लावर्स बना लिए हैं। अब ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इसको ड्राई हो जाने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है और ग्रीन कलर से जो फ्लावर्स में डंडी और लीव्स होती हैं मैंने वो बना ली हैं। तो ये भी मैंने पूरी बॉटल के ऊपर अपनी लीव्स और डंडियाँ बना दी हैं फ्लावर्स की। अब ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर रेड कलर का 3D कोन लाइनर लिया है और उससे फ्लावर्स में थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर दी है। अब ये डिटेलिंग ऐड करने के बाद ये बॉटल बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इसके बाद हम इसको ड्राई हो जाने के लिए छोड़ देंगे। अभी बॉटल ड्राई हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर फेरी लाइट्स लिए और इसके बोतल के अंदर डाल देंगे हम। तो यहाँ पर फेरी लाइट्स इंसर्ट करने के बाद हमारा बोटल आर्ट कम्प्लीट हो गया है। ये रहा हमारे बोटल आर्ट का फाइनल लुक। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपना सेकंड बोटल आर्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बोटल के ऊपर जैसो का एक कोट कर दिया है और जैसो का कोट करने के बाद मैंने उसको अच्छे से ड्राई हो जाने के लिए छोड़ दिया था। अब ये ड्राई हो गया है, इसके ऊपर मैं वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर से मैंने बोटल को पूरा कवर कर दिया है अच्छे से। अब ये ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का ये चॉक पेंट लिया है और उससे मैंने बोटल के ऊपर एक कोट कर दिया है। तो पहले मैं यहाँ पे ब्रश से ट्राई कर रहा था तो ब्रश से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्पॉन्ज की मदद से पूरी बोटल के ऊपर ये ऑरेंज चॉक पेंट से पेंट कर दिया है। अब ये पेंट कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इसको ड्राई हो जाने के लिए छोड़ दिया था। ड्राई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे फेविकॉल लिया है और जूट ड्रॉप लिया है और फेविकॉल की मदद से जूट ड्रॉप को बोतल के ऊपर सेंटर पार्ट में इस तरीके से चिपका दिया है। तो मैं इसको ऐसे राउंड राउंड करके बोतल के ऊपर पूरा चिपका दूंगा। तो हमें बोतल को पूरा कवर नहीं करना है, सेंटर पार्ट में बस कुछ ही एरिया को हम इससे जूट ड्रॉप से कवर कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले लिया है और इसके दोनों जो कंपाउंडमेंट आते हैं उनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उनका एक ये स्मूथ डो बना लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पाउडर की मदद से जिससे कि चिपके ना, और एक सिलेंड्रिकल ये बॉटल लेके और उससे एक रोटी की शेप बना ली है। मतलब इसको पतला कर लेना है, फ्लैट कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये फ्लावर शेप का क्ले कटर लिया है और उससे फ्लावर्स की शेप कट कर ली है। और ये शेप्स कट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक क्ले टूल लिया है और उसकी मदद से इसके जो फ्लावर्स के एजेस हैं उनको स्मूथ कर लिया है, जिससे कि इस पर एक नेचुरल लुक आए। इसी तरीके से मैंने सारे फ्लावर्स को स्मूथ कर लिया है। अब ये स्मूथ करने के बाद मैंने यहाँ पे पहले जो फ्लावर्स बनाए थे उससे छोटे साइज़ के फ्लावर बना लिए हैं। और ये फ्लावर बनाने के बाद मैंने अपने जो फ्लावर्स बनाए हैं उसके ऊपर ये स्टिक कर दिए हैं। अब ये स्टिक करने के बाद मैंने क्ले टूल से इनकी भी साइड्स को स्मूथ कर लिया है। अब स्मूथ करने के बाद मैंने फ्लावर्स में और डिटेलिंग्स बना दी है। अभी डिटेलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने फ्लावर्स को ड्राई हो जाने के लिए छोड़ दिया था। ड्राई हो जाने के बाद मैंने इसके ऊपर एक जैसो का कोट कर दिया है। जैसो का कोट ड्राई हो जाने के बाद मैंने इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है और सेंटर पार्ट में येलो कलर से डिटेलिंग्स कर दी है। उसके बाद हम फ्लावर्स को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर हमने जो बॉटल के ऊपर जूट ड्रॉप चिपकाया था
उसके ऊपर फेविकॉल से इन फ्लावर्स को चिपका देंगे। तो मैंने फेविकॉल की मदद से ये सारे फ्लावर्स बॉटल के ऊपर चिपका दिए। और मैंने ऊपर की साइड में भी एक लेयर जू ड्रॉप की चिपका दी थी। और चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पे वाइट कलर का 3D कॉन लाइनर लिया और फ्लावर्स में थोड़ी और डिटेलिंग ऐड कर दी है। अभी डिटेलिंग ऐड करने के बाद इसको ड्राई होने देंगे, और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा और ड्राई हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वार्निश लेंगे और वार्निश का एक कोट करेंगे जिससे कि हमारा पेंट ख़राब ना हो और इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना लगे। तो हम अच्छे से इसके ऊपर वार्निश का एक कोट कर देंगे और उसको भी ड्राई हो जाने के लिए छोड़ देंगे। और ड्राई हो जाने के बाद जो है हमारा बॉटल आर्ट बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा हमारे बॉटल आर्ट का फाइनल लुक। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपना थर्ड एंड लास्ट बोटल आर्ट। तो उसके लिए मैंने इस बोटल के ऊपर भी जैसो का एक कोट कर दिया है, और जैसो का कोट कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने उसको ड्राई हो जाने के लिए छोड़ दिया था। और ड्राई हो जाने के बाद मैंने इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है, और वाइट एक्रेलिक कलर से भी मैं इस बोटल को अच्छे से कवर कर लूँगा और फिर इस पेंट को भी मैं ड्राई हो जाने के लिए छोड़ दूँगा। और हमें इस पेंट को अच्छे से ड्राई करना है। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर ये डेकोपाज नैपकिन ली है। तो यहाँ पे देखो पास नैपकिन को मैं नाप लूँगा मुझे कितना चाहिए बोतल के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये नाप के और पानी की मदद से इस डेकोपाज पेपर को कट कर लिया है, और बहुत ही इजीली ये कट हो जाता है। तो मैंने इसको पानी की मदद से कट करने के बाद यहाँ पे मैंने डेकोपाज ग्लू लिया है और बोतल के ऊपर लगा के, और हमें ग्लू अच्छे से लगाना है। तो मैंने ग्लू लगाया इसके ऊपर और ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। फिर मैंने जो डेकोपाज नैपकिन में लेयर्स होती हैं, तो मैं इसमें 3 लेयर होती हैं, मैंने जो ऊपर वाली लेयर है हम उसको लेंगे, बाकी की लेयर निकाल देंगे। फिर हम बहुत ही हल्के हाथ से प्यार से इसको बॉटल के ऊपर चिपका देंगे और ब्रश की मदद से स्मूथ करते रहेंगे। और अगर आपकी बॉटल में सलवट आ भी जाती हैं, फिर हम क्या करेंगे, पोलोथीन लेंगे और पोलोथीन से की मदद से इसको स्मूथ कर लेंगे इस तरीके से हाथ से। और ये सारा काम हल्के हाथ से करना है, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। फिर इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने पूरी बॉटल को कम्प्लीट कर लिया था। और ये कंप्लीट हो जाने के बोतल का जो ऊपर वाला पार्ट है मैंने उसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया था, तो उसके ऊपर मैं जूट रॉप को उससे कवर कर दूंगा उसको। तो मैंने यहाँ पे फेविकॉल की मदद से इसके ऊपर जूट रॉप चिपका दी है, तो इसी जूट रॉप से मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा ऊपर तक। अब ये कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने इसको ड्राई हो जाने के लिए छोड़ दिया था। जब ये ड्राई हो जाएगा इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेकोपाज जो है ग्लू लेंगे और एक लेयर और डेकोपाज ग्लू की लगा देंगे जिससे कि ये ख़राब ना हो। उसके बाद ड्राई हो जाएगा, और ये ड्राई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे 3D कॉन लाइनर लिए हैं और उससे इसमें फ्लावर्स जो है इसके अंदर थोड़ी मैं डिटेलिंग ऐड कर दूंगा जिससे कि और अच्छा दिखे। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर्स में डिटेलिंग ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने 3D कॉन लाइनर से थोड़ा शेडिंग देके और ब्रश की मदद से उसको स्मूथ कर दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे उसके बाद वाइट कलर का जो है 3D कॉन लाइनर लिया है और उससे फ्लावर्स को थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने जो बोतल में जितने भी फ्लावर्स हैं और लीव्स हैं उन सबको हाईलाइट कर दिया है, उसमें डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अभी डिटेलिंग पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इसको ड्राई हो जाने के लिए छोड़ दिया था। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा हम इसके ऊपर वार्निश का एक कोट कर देंगे जिससे कि हमारा बोतल के ऊपर जो हमने पेंटिंग की है वो ख़राब ना हो। और ये वार्निश करने के बाद हमारा बोतल आर्ट बनकर रेडी हो गया। ये रहा इसका फाइनल लुक।